नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यूज बेरी पे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस से। 74,92,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में आए 61,000 से भी ज्यादा नए मामले। वहीं 65,94,000 से भी ज्यादा लोग हो चुके हैं कोरोना से ठीक। पिछले 24 घंटे में 72,000 से भी ज्यादा लोग हो चुके हैं कोरोना से रिकवर। वहीं अब तक 1,14,000 से भी ज्यादा लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत। पिछले 24 घंटे में 1,000 से भी ज्यादा लोगों की हो चुकी है डेथ। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना के टीकाकरण के लिए व्यवस्था चुनाव की तरह दुरुस्त रखी जाए। बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के हालातों की शनिवार को उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की। उन्होंने टीके के वितरण आपूर्ति की तैयारियों के बारे में जाना। उन्होंने कोविड-19 का टीका तैयार हो जाने पर उसके तेजी से टीकाकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने पंचायत से लेकर केंद्र सरकार और सभी नागरिक समूहों को शामिल करते हुए टीकाकरण की व्यवस्था चुनाव की तर्ज पर दुरुस्त रखने को कहा है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 3 हफ्तों से लगातार नए मरीजों और मौतों की संख्या लगातार घट रही है। संक्रमण की दर में भी कमी आई है। प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारी मौसम में भी सभी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई और संयम का पालन करते रहने की अपील की है। महाराष्ट्र सरकार ने 25 अक्टूबर से जिम और फिटनेस सेंटर खोलने की दी अनुमति। बताते चले कि महाराष्ट्र सरकार ने 25 अक्टूबर से दशहरा के अवसर पर जिम और फिटनेस सेंटर खोलने की अनुमति दे दी है। कंगना रनौत के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में FIR दर्ज करने का आदेश। बताते चले कि बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ FIR करने के लिए आदेश दिए हैं। कंगना पर धार्मिक भावनाएं भड़काने, कलाकारों को हिंदू मुसलमान में बांटने और सामाजिक द्वेष को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। याचिकाकर्ता मुन्ना वराली ने कंगना के पिछले कुछ वक्त से किए गए ट्वीट का हवाला देते हुए उनके खिलाफ जांच की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कंगना के ट्वीट और न्यूज पर दिए बयानों में हिंदू और मुसलमान कलाकार में बांटने, सामाजिक द्वेष बढ़ाने का आरोप लगाते हुए याचिका की थी। इस मामले में कंगना की बहन रंगोली को भी आरोपी बनाया गया है। कंगना के मुंबई के हालात की तुलना POK से करने की टिप्पणी का भी शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया है। अनुच्छेद 370 को लेकर चिदंबरम के ट्वीट पर भड़की BJP, बोली डिवाइड इंडिया ट्रिक पर आ गई कांग्रेस। बताते चले कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 फिर से बहाल करने की कांग्रेस की मांग पर BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने जोरदार निशाना साधा है। नड्डा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री P. Chidambaram के बयान को लेकर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, चूंकि कांग्रेस के पास सुशासन पर बात करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए बिहार चुनाव से पहले वह डिवाइड इंडिया की अपनी गंदी चाल पर वापस आ गई है। उन्होंने इसे शर्मनाक करार दिया है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P. Chidambaram ने अपने ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लोगों की स्थिति और अधिकारों की बहाली के लिए पूरी तरह से दृढ़ है। मोदी सरकार 5 अगस्त 2019 को लिए गए मनमाने और असंवैधानिक फैसलों को रद्द किया जाना चाहिए। UP के बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी ने आत्मसमर्पण के लिए दाखिल की अर्जी। बताते चले कि यूपी के बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह बलिया न्यायालय में सरेंडर एप्लीकेशन दी है। आरोपी ने एक स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण आवेदन दायर किया है। इस तरह के आवेदन में अभियुक्त को संबंधित न्यायालय के समक्ष सीधे समर्पण करने की अनुमति मिलती है, जो तब तय करेगा कि उसे पुलिस या न्यायिक हिरासत में भेजना है या नहीं। अब तक पुलिस ने इस हिंसा के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से धीरेंद्र के भाई और 5 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है। धीरेंद्र सिंह और 5 अन्य फिलहाल फरार हैं। बता दें कि गुरुवार की दोपहर को बलिया के दुर्जनपुर इलाके में सरकारी कोटे की दुकान के आवंटन की प्रक्रिया चल रही थी, तभी दावेदार 2 पक्षों में विवाद हो गया। इसी बीच एक पक्ष ने
गोलियां चलानी शुरू कर दी। तभी बैरिया से बीजेपी विधायक के करीबी माने जाने वाले बीजेपी कार्यकर्ता धीरेंद्र प्रताप सिंह ने दूसरे पक्ष के जय प्रकाश पाल को गोली मार दी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में गंभीर श्रेणी में भारत 107 राष्ट्रों में 94 स्थान पर पहुंचा। बताते चले कि भारत वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में 107 देशों की सूची में 94 स्थान पर है और भूख की गंभीर श्रेणी में है। विशेषज्ञों ने इसके लिए खराब कार्यान्वयन प्रक्रिया, प्रभावी निगरानी की कमी, कुपोषण से निपटने का उदासीन दृष्टिकोण और बड़े राज्यों के खराब प्रदर्शन को दोषी ठहराया है। पिछले साल 117 देशों की सूची में भारत का स्थान 102 था। वहीं पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार भी गंभीर श्रेणी में है, लेकिन इस साल के भूख सूचकांक में भारत से ऊपर है। बांग्लादेश 75, म्यांमार 78 और पाकिस्तान 88 स्थान पर है। भुखमरी सूचकांक में भारत की गंभीर स्थिति पर बिफड़े राहुल गांधी बोले, भारत का गरीब भूखा है क्योंकि सरकार सिर्फ अपने कुछ खास मित्रों की जेबें भरने में लगी है। बताते चले कि विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की स्थिति को लेकर सरकार पर हमला साधा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भुखमरी के मामले में 107 मुल्कों में भारत को 94 स्थान पर रखा गया है। राहुल गांधी ने इसी वैश्विक सूचकांक के सहारे सरकार पर अपने कुछ खास मित्रों के जेब भरने का आरोप लगाया है। दरअसल जहां तक भुखमरी और कुपोषण का सवाल है, हिंदुस्तान अपने कमतर छोटे पड़ोसी मुल्कों से भी पिछड़ा हुआ है। 107 मुल्कों की इस सूची में भारत 94 स्थान पे है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत भुखमरी के ऐसे स्तर से जूझ रहा है जिसे गंभीर माना जाता है। पेरिस में हमलावर ने शिक्षक का सिर काटा, फ्रांस ने कहा आतंकी हमला। बताते चले कि इस शिक्षक ने अपने छात्रों को पैगंबर मोहम्मद के दो कार्टून दिखाए थे जो फ्रेंच पत्रिका शार्ली एब्दो में छपे थे। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसे कायराना हरकत बताया है। न्यूजीलैंड चुनाव में प्रधानमंत्री जेसिडा ऑर्डर्न को मिली बड़ी जीत। बताते चले कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिडा ऑर्डर्न की पार्टी ने शनिवार को हुए आम चुनावों में भारी जीत हासिल की है। नतीजों में ऑर्डर्न की लेबर पार्टी को 49% वोट मिले हैं और उम्मीद की जा रही है कि वो न्यूजीलैंड की राजनीति में दुर्लभ बहुमत हासिल कर लेगी। वहीं विपक्षी मध्यपंथी नेशनल पार्टी को अब तक 27% वोट मिले हैं और पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। बताते चले कि ये चुनाव एक महीना पहले सितंबर में होने वाले थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे आगे बढ़ा दिया गया था। कूड़ा जलाने पर 1 करोड़ जुर्माने को लेकर आपने कहा, हम निगम का अकाउंट अटैच कर देंगे। बताते चले कि आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा कि मैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त EPCA से पूछना चाहूंगा कि भाजपा इस आपराधिक कृत में किस तरह खुलेआम अभद्रता कर रही है, कैसे बीजेपी शासित MCD बेशर्मी के साथ खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए किराड़ी में कूड़ा जला रही है। MSME ने सोशल मीडिया पर भर्ती के फर्जी विज्ञापनों को लेकर किया आगाह। बताते चले कि सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योगों के मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर भर्ती के फर्जी विज्ञापनों को लेकर लोगों को आगाह किया है। MSME का कहना है कि निदेशक पद के लिए कोई भर्ती नहीं निकाली गई है। लोगों से अपील है कि ऐसे किसी बहकावे में ना आए। UP के गोंडा में मंदिर के पुजारी ने खुद पर चलवाई थी गोली, पुलिस के खुलासे से सनसनी। बताते चले कि यूपी के गोंडा में राम जानकी मंदिर के पुजारी ने अपने दुश्मन को फंसाने के लिए प्रोफेशनल शूटर से खुद पर चलवाई थी गोली, महंत भी था शामिल। हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर का रविशंकर प्रसाद ने किया खंडन, बोले पूरी तरह सुरक्षित हूँ। बताते चले कि रविशंकर प्रसाद ने अपने हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की खबर का खंडन कर दिया है।
इसमें कहा गया था कि चुनाव प्रचार कर रहे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें रविशंकर प्रसाद और राज्य के दो बड़े मंत्री बाल बाल बच गए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक ने बेटे के साथ पुलिस थाना पर बोला धावा, छुड़ा ले गए लड़की से छेड़छाड़ का आरोपी। बताते चले कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां के मोहम्मदी कोतवाली में देर रात बीजेपी विधायक लोकेंद्र बहादुर ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जमकर हंगामा काटा और छेड़खानी के आरोप में पकड़े गए युवक को जबरदस्ती कोतवाली से छुड़ा ले गए। दरअसल मोहम्मदी कोतवाली पुलिस ने एक बीजेपी कार्यकर्ता को छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसकी सूचना जैसे ही बीजेपी विधायक लोकेंद्र बाहुबली को मिली, वह आग बबूला हो गए और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली में जा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने थाना परिसर में देर रात तक जमकर हंगामा काटा। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार भी किए और पकड़े गए आरोपी को जबरदस्ती कोतवाली से छुड़ा ले गए। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरक्षण को लेकर राजस्थान में फिर शुरू हुआ गुर्जर महापंचायत, 3 जिलों में इंटरनेट बंद। बताते चले कि आरक्षण के मुद्दे पर राजस्थान में गुर्जर एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। शनिवार को भरतपुर के अड्डा गांव में गुर्जरों की महापंचायत हुई। इस आंदोलन के उग्र होने की आशंका के चलते रात 12 बजे तक 3 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई थी। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर आरएसपी और एसटीएफ की 3 कंपनियां तैनात की गई है। वहीं रेलवे ने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए आरपीएफ के जवानों को आंदोलन स्थल के आसपास तैनात किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का समाज के दुश्मनों को अल्टीमेटम, बोले चौराहे पर लगेगी तस्वीर। बताते चले कि उत्तर प्रदेश में महिला बहन और बेटियों के साथ बढ़ते अपराध को लेकर बेहद गंभीर हो चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बलरामपुर में बड़ी घोषणा की। उन्होंने रिजर्व पुलिस लाइन में मिशन शक्ति का आगाज किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिजर्व पुलिस लाइन्स में आयोजित समारोह में कहा कि मिशन शक्ति के तहत प्रदेश भर में मंचलों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ की जाएगी। इसके साथ ही सभ्य समाज के दुश्मनों की तस्वीरें चौराहों पर लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बेटियों व महिलाओं की सुरक्षा एवं विघटनकारियों को कठोर सजा का संदेश देने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। कल देश भर में शुरू हुआ नवरात्रि का त्योहार, वहीं आमिर खान ने भी नवरात्रि के मौके पर किया ट्वीट, देशवासियों को दी शुभकामनाएं। बताते चले कि कल नवरात्रि का कलश स्थापना के साथ शुरुआत हो गया। देश भर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नवरात्र त्योहार मनाने की शुरुआत हो गई है। इसे लेकर आमिर खान ने भी ट्वीट किया है और देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 15 लाख का सोना, दुबई से लेकर आ रहा था तस्कर। बताते चले कि दिल्ली एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी का एक और मामला सामने आया है। कस्टम विभाग ने एक शख्स से 340 ग्राम सोना जब्त किया है। बरामद सोने की कीमत करीब 15 लाख रुपए आकी गई है। दुबई से लेकर आ रहा था। बिहार चुनाव को लेकर नीतीश की रैलियां, ना तो कोरोना की चर्चा और ना ही किसी को इस महामारी की फिक्र। बताते चले कि बिहार के सासाराम में शनिवार को नीतीश कुमार ने 3 रैलियां की। इन रैलियों में उन्होंने लालू यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाया। दूसरी तरफ बिहार में कोरोना वायरस से 1000 लोगों की मौत के बावजूद अब रैलियों में ना तो कोरोना की कोई गाइडलाइन फॉलो होती दिख रही है और ना ही कोरोना अब बिहार की राजनीति में कोई मुद्दा है। बिहार के गढ़हलगल में नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। बिहार में चौथी बार जीत के लिए नीतीश कुमार खुद मास्क पहनकर ऐसी रैलियां ताबड़ तोड़ कर रहे हैं, लेकिन उनकी रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग मजाक बन चुका है और मास्क बांटना अब मात्र औपचारिकता है। हजारों की भीड़ में
तापमान नापना गैर जरूरी हो चुका है। खुद नीतीश कुमार ने अपने 25 मिनट के छोटे भाषण में कोरोना का महज 20 सेकंड तक ही जिक्र किया। जेडीयू का चिराग पासवान पे पलटवार, बोले चिराग पासवान ऐसे कलयुगी हनुमान जो राम को भी नहीं मानते। बताते चले कि जेडीयू के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए उन्हें कलयुगी हनुमान करार दिया है। त्यागी ने कहा कि चिराग ऐसे कलयुगी हनुमान हैं जो राम को भी नहीं मानते हैं। हनुमान ने श्री राम के निर्देश पर लंका जलाई थी, लेकिन ये कलयुग के हनुमान चिराग पासवान तो अयोध्या में ही आग लगाना चाहते हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की नई सूची जारी। पहले नंबर पर पीएम मोदी, वहीं शहनवाज व रूढ़ी भी शामिल। बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की नई सूची जारी की है। पहले चरण के चुनाव के लिए हाल ही में जारी पहली सूची में संशोधन करते हुए नई सूची में बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूढ़ी के नाम जोड़े गए हैं। पहली सूची में दोनों के नाम नहीं थे। अमित शाह ने कहा, चिराग खुद एनडीए से बाहर, नीतीश कुमार ही होंगे एनडीए के मुख्यमंत्री। बताते चले कि एनडीए से अलग होते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी बाजी सजा रहे। लोजपा और उनकी ओर से आकर्षित होने वाले मतदाताओं के हर भ्रम को दूर करने में भाजपा जुट गई है। दिल्ली दंगे मामले में कोर्ट ने कहा, सबूत पर्याप्त हैं। वहीं ईडी ने ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र। बताते चले कि ईडी ने दिल्ली दंगों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्य आरोपी एवं पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ धन संशोधन निरोधक अधिनियम के तहत शनिवार को कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत में आरोप पत्र दायर किए। ईडी ने आरोप पत्र में अमित गुप्ता नाम के व्यक्ति को सह आरोपी बनाया गया है। कल आईपीएल T20 में खेले गए दो मुकाबले। पहले मुकाबले में एबी डिविलियर्स की धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत आरसीबी ने राजस्थान को 7 विकेट से हराया। बताते चले कि राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 177 रन बनाए, जहां राजस्थान के कप्तान 36 गेंद पर 57 रन बनाए। वहीं उथप्पा ने भी 41 रनों का योगदान दिया। जवाब में आरसीबी ने एबी डिविलियर्स की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत आरसीबी ने ये मैच 2 गेंद शेष रहते हुए जीत लिया। एबी डिविलियर्स ने 22 गेंदों में 55 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। वहीं विराट कोहली ने भी 43 रनों का योगदान दिया। एबी डिविलियर्स को उनके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। कल आईपीएल के दूसरे मुकाबले में शिखर धवन के शानदार शतक की बदौलत दिल्ली ने चेन्नई को 5 विकेट से हराया। बताते चले कि चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 179 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। चेन्नई के लिए जहां 47 बॉल पर 58 रन डुप्लेसी ने बनाए, वहीं राइडू ने भी 25 गेंद पर 45 रनों की शानदार पारी खेली। जवाब में उतरी दिल्ली की शुरुआत बेहद खराब रही। दिल्ली ने पहला विकेट 0 के स्कोर पर खो दिया, वहीं दूसरा विकेट 26 रन के स्कोर पर खो दिया। लेकिन शिखर धवन के शानदार शतक की बदौलत और श्रेयस अय्यर एवं मार्कस के योगदान से दिल्ली चेन्नई को 5 विकेट से हराने में कामयाब रही। दिल्ली ने 19 ओवर 5 गेंद में 185 रन बनाकर चेन्नई को 5 विकेट से हरा दिया। धवन को उनके शानदार शतक के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही दिल्ली पॉइंट्स टेबल में टॉप पे पहुंच गई है। वहीं मुंबई पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पे चली गई है, जबकि चेन्नई 6ठे स्थान पे बरकरार है। आज आईपीएल का है सुपर संडे। खेले जाएंगे दो मुकाबले। पहला मुकाबला है जहां हैदराबाद और कोलकाता के बीच में, वहीं दूसरा मुकाबला है मुंबई और पंजाब में। बात करें पहले मुकाबले की तो हैदराबाद और कोलकाता दोनों ही टीमों ने अब तक 8-8 मुकाबले खेले हैं।
जहां कोलकाता ने 8 मैच में 4 जीत दर्ज की है, वहीं हैदराबाद ने 8 मैचों में सिर्फ 3 मैच ही जीत पाई है। बात करें पॉइंट टेबल में तो कोलकाता पॉइंट टेबल में चौथे स्थान पे है, वहीं हैदराबाद पॉइंट टेबल में 5वें स्थान पे है। इस मैच को जीतकर दोनों ही टीम पॉइंट टेबल में ऊपर आना चाहेगी। वहीं बात करूं मुंबई और पंजाब की तो दोनों ही टीमों ने अब तक 8-8 मैच खेले हैं, जिसमें से मुंबई ने 6 मैचों में जीत दर्ज की है, वहीं पंजाब अभी तक सिर्फ 2 ही मैच जीत पाई है। बात करें पॉइंट टेबल की तो मुंबई अभी पॉइंट टेबल में टॉप पे है, वहीं पंजाब पॉइंट टेबल में आखिरी नंबर पे है। तो इस मैच को जीतकर पंजाब पॉइंट टेबल में ऊपर आना चाहेगी, वहीं मुंबई इस मैच को जीतकर पॉइंट टेबल में टॉप पे बने रहना चाहेगी। जहां हैदराबाद और कोलकाता का मुकाबला शाम के 3:30 बजे से स्टार्ट होगा, वहीं पंजाब और मुंबई का मुकाबला शाम के 7:30 बजे से स्टार्ट होगा। दोनों ही मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी हॉट स्टार पर देख सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कल फिर मिलता हूँ मैं आपसे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। नमस्कार।